अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई आप लोग के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी बेकरी स्टाइल पाव की रेसिपी, जो हम घर में बनाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो सबसे पहले मैं ले ली हूँ एक वाटी में पानी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब शक्कर और 1 टी स्पून करीब एड्स। ये दोनों को मैं भिगा के तकरीबन आधा घंटे पहले ही रख दूँगी, ताकि एकदम अच्छे से फूल जाए। उसको भिगा के हम साइड में रख देंगे। उसके बाद मैं एक कटोरे में ले लूँगी एक मैदा। मैदा मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप के करीब। मैदा लेने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1 टीस्पून के करीब। उसके बाद ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से, ये दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी एड्स जो हम भिगा के रखे थे। एड्स ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तेल। तेल मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम अच्छे से इसका एक डो बना लेंगे हम सॉफ्ट सा। और हमारा ये डो बन के एकदम अच्छे से तैयार है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से हम डो बना लेंगे। उसके बाद हम इसको एकदम ढक के रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक के रख दी थी मैं, और एकदम अच्छे से खमीर हो चुका था, आप देख सकते हो। इस तरीके से खमीर होना चाहिए, इस तरीके से होगा तभी हमारी जो पाव है वो एकदम जैसे अंदर से नरम, सॉफ्ट और फुली फुली बनेगी। उसके बाद मैं छोटी छोटी सी लोही ले लूँगी इस तरीके से, और इस तरीके से लेके मैं एयर फ्राई में रख दूँगी। एयर फ्राई में मैं रख दूँगी और इसको हम 180 डिग्री पर रखेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि एकदम अच्छे से हो जाए। और मेरी जो पाव थी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार थी। एकदम अच्छे से फुली भी थी, सॉफ्ट भी हुई थी। आई होप आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।